और अब खबर हमारे देश में धर्म के प्रश्न पर चल रहे हंगामे की। एक बड़ा विवाद रामचरितमानस की चौपाइयों पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने उन चौपाइयों को दलित विरोधी बताकर मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में पोस्टर बैनर लगाकर चौपाइयों को हटाने की मांग की जा रही है, तो 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाली मायावती उन पर अब प्रश्न उठा रही हैं। रामचरित मानस के कुछ अंश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बाराबंकी, आगरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, रामचरित मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर तनातनी जारी है। यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। निशाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। प्रयागराज से बाबा बागेश्वर की नाराजगी भी सामने आई है। मानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठ्यम समाज रहे, ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का अधिकार है। लेकिन समाजवादी पार्टी इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर समाजवादी पार्टी की सियासी चढ़ाई जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इन चौपाइयों के विरोध में पोस्टरबाजी हो रही है। हम इस समय पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और पीछे आप तमाम पोस्टर्स देख सकते हैं। ये एक पोस्टर है, शिल्पी चौधरी हैं जो निवर्तमान प्रदेश सचिव महिला सभा की हैं। उन्होंने लिखा है, वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत। उसके बाद दूसरा पोस्टर लगाया गया है शूद्र गौतम राणे सागर की तरफ से, जिसमें शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से एक बड़ा वर्ग आहत है। जिन चौपाइयों से दिक्कत है उन्हें मानस से निकालने में हर्ज क्या है? समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने ट्वीट कर उन चौपाइयों को हटाने की मांग की है। यानी इस विवाद से कदम पीछे हटाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा, न समाजवादी पार्टी की तरफ से न दूसरी तरफ से। चूंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, एक छोटी सी मांग है। उसमें से कुछ ऐसी चौपाइयां निकाल करके और इस प्रकार से विवाद खड़ा करना और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर सब कुछ करना, मैं समझता हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश ही के बाहर इनकी कहीं हैसियत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी कड़ी सजा सुनाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य यूपी के दो बड़े पिछड़े नेताओं के बयानों से साफ है कि यह घमासान चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो।